गुंडों द्वारा मकान पर कब्जा करने से परेशान महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एसपी के पैरों में गिरकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस कंट्रोल रूम पर यशोदा जिनवाल नामक महिला अपने परिजनों के साथ पहुंची। महिला की शिकायत थी कि गुंडों ने उसके दो मकानों पर कब्जा कर लिया है। महिला गुंडों के डर से शहर छोड़कर राजस्थान में रह रही है। महिला ने पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल को शिकायत की। महिला के परिजन एसपी के चरणों में बैठकर न्याय की गुहार लगाने लगे। वहीं एसपी ने तत्काल मामले की जांच के आदेश दिए। बस इसलिए आई थी कि मेरा मकान है ना, मुकेश भदालिया ने मेरा मकान छीन लिया। दो दो मकान थे, वो मकान छीन लिया। मैं उससे बहुत परेशान हूँ। मैं मेरे बच्चे को लेके मेरी मम्मी के रहती हूँ। कब तक रहूँगी मैं राजस्थान में? अभी भी दूसरे से ना उधार पैसे लेके किराया लेके तब मैं यहाँ पे आई हूँ एसपी साहब से मिलने के लिए। अभी भी डरती डरती आई हूँ कि अभी भी ऐसा नहीं मेरे को ढूंढ ले और कहीं मार दे मेरे को और मेरे बच्चे को। अब तो मेरी एक ही आवेदन है कि अगर मेरे को मेरा मकान और मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं मेरे बच्चे को लेके उसको भी जहर दे दूंगी, मैं भी जहर खा लूंगी।